भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग द्वारा बीजेपी झारखंड प्रदेश का सांगठनिक कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर निर्वाचित सांसद सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए हजारीबाग के डांग बंगला स्थित पैराडाइज रिसोर्ट सभागार में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हजारीबाग के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने किया। सम्मान समारोह सह विजय संकल्प सभा में बतौर अतिथि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड के नीब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह, हजारीबाग के जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता, पूर्व डिप्टी मेयर आनंद देव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष टुन्नू गोप, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए और संयुक्त रूप से पार्टी के आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण कर समारोह की विधिवत शुरुआत की। समारोह के शुरुआती सत्र में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथियों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का हर एक कार्यकर्ताओं से अपील किया। तत्पश्चात सभी आगंतुक अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर और फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिसके बाद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल का बारी बारी से भाजपा जिला समिति, हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंड समिति और बूथ स्तर से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा पट्टा पहनाकर पुष्प घुष भेंट कर और माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया, जिसके बाद हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्ष और बूथों से जुड़े कार्यकर्ताओं को भाजपा नेताओं द्वारा फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया और पार्टी की ओर से उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की गई एवं उन्हें पार्टी हित में बेहतर कार्य करने हेतु आभार जताया गया। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हजारीबाग में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर आधारित एक संगोष्ठी का कार्यक्रम है और साथ ही साथ हमारे जो नए सांसद हजारीबाग से बने श्री मनीष जायसवाल जी, उनका भी अभिनंदन है अपने पार्टी की ओर से, समर्पित कार्यकर्ताओं की ओर से। और इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद और बिहार के सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी इस कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग में जीतने के बाद इस तरह का जो है पहला कार्यक्रम है, तो सारे कार्यकर्ता जो है आज हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अपना परिचय दर्शकों के लिए बता दें। अभी मन्यू प्रसाद प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जिला कोडरमा प्रभारी झारखंड प्रदेश। सामने है रणनीति बनाई जा रही है। अब रणनीति तो आप लोगों के लिए नहीं होता है ना, रणनीति तो हम लोग पार्टी के लिए होता है, इसलिए आप लोगों को रणनीति हम क्यों बताएं? मतलब तैयारी चल रही है, हम लोग को नहीं बताएंगे। बिल्कुल तैयारी चल रही है भाई सर, और इस बार झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? भैया हमें कहना क्या है भाई, इतना तो सिद्ध हो गया ना, क्योंकि ये लोग परिवार और पैसे के सिवा दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता है। अब देखिए, दो तीन महीने के बाद तो चुनाव होना है। चंपई सोरेन को उन्होंने जेल जाने के पहले बना दिया, और जैसे ही जेल से निकले और उनको हटा करके अपने बैठ गया, ये तो अस्पष्ट हो, इसी को कहते हैं परिवारवाद। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें फंसाया था, मैं बेदाग निकल चुका हूँ, उनका स्टेटमेंट यही था। उनको तो बेल हुआ है ना भाई, अदालत ने उनको अंदर किया था, अदालत ने उनको जेल बेल दिया है, इसलिए उस पर कहना क्या है। सर, जेएमएम का एक बयान है कि हेमंत विश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड प्रभारी बनाया गया है, बीजेपी डर गई है हमारे सत्ता से, हमारे कार्यों से। बीजेपी डर गई है, डरा हुआ तो वही है, देखे ना अभी तक कैबिनेट नहीं बना पाया, 8 तारीख के बाद बनाने की बात कर रहे हैं। फिर इससे साफ दिख रहा है, अरे बीजेपी तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जिन राज्यों में चुनाव होता है केंद्र की ओर से प्रभारी तय करते हैं, अभी भी देश के 3 राज्यों में चुनाव है, तीनों राज्य के लिए प्रभारी तय
किया गया है। सरकार केंद्र सरकार के मंत्रीगण हैं, कोई हरियाणा के प्रभारी है, कोई महाराष्ट्र के प्रभारी है, तो क्या लोग और हमारे यहाँ दीपक जी भी है विधानसभा चुनाव में बिहार में थे साहब प्रभारी। ऐसा नहीं है, तो चुनाव होता है तो पार्टी हम करते ही। कुछ घुसपैठिए के बारे में भाषण में कह रहे थे, जो सच्चाई है वही बात नहीं कर, तो क्या लोकसभा चुनाव विधानसभा में परिणाम तय करेंगे? परिणाम तय करेंगे। उन इलाकों में लोगों की जीना मुश्किल हो गया, जमीन उमीन से लोग बेदखल हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। अभी पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर में ईद के दिन सारे आम गौकसी की गई, विरोध करने के बाद उल्टे लोगों के घर में आग लगा दी गई, लोगों के साथ मारपीट किया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, वहाँ पुलिस का कैंप लगा हुआ है। अगर इसी प्रकार से रफ्तार बढ़ते रही घुसपैठियों की तो पाकुड़ ही नहीं बल्कि हजारीबाग भी सुरक्षित नहीं रहे। सर बाबा कार्यक्रम है आज भारतीय जनता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के अवसर पर पूरे देश में देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है सभी अपने माता के नाम से एक एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण का रक्षा करें और धरती माता का नमन करें। और उसी कड़ी में आज स्वागत समारोह भी रखा गया है। स्वागत समारोह में हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य भाई दीपक प्रकाश जी और तमाम हजारीबाग जिला के कार्यकर्ता बंधुओं साथियों को मैं अपने उनसे हार्दिक अभिवादन करते हैं कि जिन्होंने आज युवा लोग सांसद लोकप्रिय सांसद भाई मनीष जायसवाल को चुनाव जिताया है। अभी हम लोग सब उनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पूरा परिचय अपना, मेरा नाम पटेश्वर प्रसाद मेहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश समिति के सदस्य, प्रकट्ठा विधानसभा के भाई प्रत्याशी। आप सबों के बीच